जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल स्नैक सेवर वाई आर वाई। अभी हम लोग को सूचना मिला हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक स्वास्थ्य विभाग है, वहाँ एक सांप घुस गया है। जैसा कि सूचना मिला है कि वहाँ एक कोबरा घुसा हुआ है, तो देखते रहें और कौन सा है सांप है वो हम लोग जा करके देखते हैं। तब तक वीडियो पर बने रहें आप। अभी तक हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ और यहाँ देखते हैं कौन सा स्नेक है। जैसा सूचना मिला था कोबरा है, तो देखते हैं और सूचना मिला है। आइए तो भैया कहाँ देखे हैं सांप? अंदर ही देखे हैं। यहाँ से बढ़िया गया है। फोन कम किए थे? अभी किए थे। कम से कम सब लोग जो है आधे घंटे से ऊपर जो है इस तरह से देखते हुए नजर रखे हुए थे। और जहाँ तक लग रहा है इंडियन रेड स्नेक ही है, और जो कि अभी वहाँ से हम लोग रेस्क्यू करेंगे। लाइट है क्या उसका? नहीं लाइट दिखेगा। लाइट पीछे 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 लाइट कटा हो जा रहा है। नाम से बैठा हुआ लग रहा है कि चूहा या कुछ खाया हुआ है, जिसकी वजह से नहीं पहले यहाँ पे चलते हुए पहुंचे हुए हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ जैसा होता है, यहाँ से फिर इधर से चल के आ रहा है। अच्छा अच्छा, वो तो हम लोग को देखते देखते हुए नजर बन गई। अच्छा, नजर यहाँ से रखे होते ऐसे करते तो मैं नजर यहाँ पर रुका होता। लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया कि सांप देखने के बाद में आप लोग उसको कोई तरह का मूवमेंट नहीं किए, सामने जाने की कोशिश नहीं किए, जिसकी वजह से वो सांप स्थिर रह गई। तो ये लोग एक बार मूवमेंट लोग को थोड़ा सा ये डर गया, तो फिर अपना जगह निकाल करके भागना शुरू कर रहा था। तो चलिए अच्छी बात है। बाकी इससे डर ये सांप जो है वेनमस स्नेक नहीं है, नॉन वेनमस स्नेक है, विषहीन सांप उसको बोलते हैं। और इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक में है और हल्का पीला कलर है, तो इसलिए जो है कभी इसको कोबरा भी बोल सकते, देखने में लगता है। इसमें कोई जहर नहीं होता है, लेकिन देखिए यही पता चल जाता है ये सांप जो है कि अगर कोई इसके सामने अगर चला जाए या इसके नुकसान पहुंचाने का कोशिश करे, तो ये सांप जो है भागने का कोशिश करता है, न कि काटने का कोशिश करता है। लेकिन जब पकड़ लेगा कोई या पैर से दब जाएगा, तब इन लोग अपने सुरक्षा के लिए तभी बाइट करेगा। ऐसा नहीं, देखिए काटेगा, ये उकसाने से कोई भी सांप काटता है। देखिए ये जब मुंह फुलाएगा तो समझ जाइए बाइट करने के लिए तैयार है। ये जहरीला नहीं है, इसका ऐसा जो एवरेज लेंथ जो होता है यही है, 5 से 7 फीट के बीच में, 5 से 7 फीट के बीच में रहता है। लेकिन हाइएस्ट जो इसका लेंथ है 11 फीट 6 इंच तक का होता है। जैसे कि यहाँ पर पहले भी पकड़े हैं, तो इसके बारे में देखिए बाइट कर रहा है, थोड़ा देर के लिए शांत हो जाएगा। ये मेल है, मेल है, हाँ मेल ज्यादा भी एग्रेसिव है। बाकी ये अगर घर के अंदर में या कमरे के अंदर में या फिर बाड़ी उड़ी में रहता है, तो इसका मतलब है वहाँ चूहा हुआ जो रहता है ना, उसी को खाने के लिए ही घुसता है। इसको इसको नहीं 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 खाया। अरे कौन सा सांप है ये? ये धामन है, हिंदी में इसको धामन के नाम से जानते हैं, धामिन भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में इंडियन रेड स्नेक बोलते हैं, क्योंकि ये चूहा खास करके खाता है। इसका मुख्य आहार जो है चूहा है, और इसको हम लोग बांग्ला में दड़ास के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जितना भी धामन जो होता है इसका कोई भी जो भी कैटेगरी का होता है उसमें किसी भी विष नहीं होता है। कोई भी कैटेगरी का जो 3 कलर का में रहता है, ठीक है, 3 कलर में मिलता है, ब्राउन कलर में और एक जो हल्का ब्लैक में, क्योंकि अभी इसको देख सकते हैं ये हल्का सा ब्राउनी कलर में है, एक एकदम बिल्कुल पीला टाइप का दिखेगा देखने से। इसका पूरा साइड पीछे साइड से पूरा पीला रहता है, ठीक है। और
ये तीनों जो सांप है कोई भी मतलब जहरीला नहीं होता है। और सांप जो होता है देखिए भी फुफकार रहा अपने आप को बचाने के लिए, बोला ना जो फुफकार रहा तो हम लोग सोचते खरीद से। हाँ होता है, देखिए छोटा से छोटा सांप और बड़ा से बड़ा सांप सब सांप फुफकारता है, लेकिन ना उसका जो रेंज होता है आवाज़ जो होता है वो कम बेसी होता है। तो अपने आप को फुला कर दिखाता है कि हम थोड़ा खतरनाक हैं, हमसे थोड़ा दूर रहिए। डोर सांप के पास जाइएगा तो देखिएगा वो फन कर देता है, ऐसा लगे कि जैसे कोबरा जैसे। तो कुछ सांपों में ये अपना कुदरती उन लोग का नेचर होता है। तो ये अभी देखिए दूध पीता कि नहीं पीता धामन में? धामन सांप या कोई भी सांप कभी भी दूध नहीं पीता है, लेकिन लोगों का एक कहावत है कि हमने देखा है गा के जा करके दूध पीते हुए। तो वो दरअसल ये नहीं देख पाते हैं कि इनका जो दांत है वो अंदर की और आरी की तरह कटिंग में अंदर घुसा हुआ रहता है, जिसके वजह से कोई भी चीज़ अगर कैच करे या फिर किसी का जीभ अगर फटा हुआ है और उसको दूध पीने के लिए बोलिए तो वो पी नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें खींचने का क्षमता नहीं रहता, इन लोगों का जीभ फटा रहता है तो खींचने का सवाल ही नहीं रहा। बात गाय के पास इसलिए जाता ही है क्योंकि उनमें एक प्रकार का देखिएगा ब्लड पीने वाला एक तरह का जीव रहता है, छोटे छोटे कीड़ा रहता है कीटाणु, उसी को ये खाने के लिए जाता है। और सांप पूरी तरह से मांसाहारी, ये सांप जो है पूरी तरह से मांसाहारी है, इसलिए इन लोग दूध पीने का सवाल ही नहीं है। रहा बात इन लोग डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता है दूध को, इसलिए देखिएगा सपेरे के पास जो सांप रहता है नाग पंचमी के दिन उन लोग दूध पिला देता है, लेकिन वो सांप ज़्यादा दिन तो जिंदा नहीं रह पाता है क्योंकि उन लोग को निमोनिया कई तरह की बीमारी उन लोग घेर लेता है सांप को और उन लोग डेथ कर जाता है। और उन लोग का सांप पूरा फ्रेश नहीं रहेगा, देखिएगा अधमरा टाइप का रहता है क्योंकि उन लोग को नेचुरल जो उन लोग को मिलता है नेचर में जो खाने पीने का वैसी स्थिति नहीं रहता, इसलिए। और सांप आप कौन कीजिएगा? हम लोग देखिए ये सांप जो रेस्क्यू कर लिए, रेस्क्यू करने के बाद में हम लोग इसको जंगल में जा करके रिलीज करते हैं जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के निगरानी क्षेत्र में रह करके ये काम होता है। रहा बात हम लोग उससे कोई बेनिफिट नहीं कोशिश कर रहे हैं, और साथ में ये हमारा मेन उद्देश्य है लोगों को सही जानकारी अवेयरनेस करना सांपों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में और सांपों के अस्तित्व को बचाए रखने में, क्योंकि सांप ऐसे प्राणी हैं जिसे लोगों को जो है बहुत भयभीत रहते हैं लोग। 95% जितने सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते, जैसा कि जानते हैं बोलते आ रहे हैं बराबर समझाते आ रहे हैं कि 95% सांप जो है जहरीले नहीं होते। अच्छा एक बात है भैया, इसे सांप काटता है ठीक है, उसमें जो दो दांत ये होता है दांत लगता है, लेकिन कोई ऐसा सांप है जो काटने से चार दांत लगता है? जी रसल वाइपर है, रसल वाइपर में चार दांत भी होता है, तीन दांत भी होते हैं और दो दांत भी होता है। एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि जी बोलिए जहरीला होता है वो काफी हाईली वेनमस स्नेक होते हैं, उसमें हीमोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, बहुत ही घातक मतलब सांप है वो, जानलेवा सांप है। लेकिन ये हाल फिलहाल चार दिन का पहले का न्यूज है, मतलब हम देखे खुद अपने आंखों से देखे हैं हॉस्पिटल में, उसको जो एक आदमी था ना उसको यहाँ पर बाइट किया हुआ था, उसमें चार ये था मतलब निशान था। तो देखिए होता क्या है, चार इसलिए हो जाता है कि जो उसका पुराना दांत उसके साथ में रहता है, बाइट करते समय उसी में टूट जाता है या शिकार करते समय उसी में टूट जाता है और रह जाता है। लेकिन रसल वाइपर में दो से चार दांत मिल जाता है, और रहने के लिए दांत तो बहुत तरह के अंदर में और सारे रहते हैं खाने के लिए, जो नॉर्मल होता है दांत जो हर सांप में रहता है। लेकिन जो विषैला सांप होता है उसमें दो फैल जरूर रहेंगे, जिसमें वो आपका वेनम जो होता है उसी के माध्यम से इंजेक्ट कर देता है, उसमें सिरिंज नीडल का जो काम होता है ना सेम उसका दांत काम करता है। तो इसलिए जो है हालांकि सब में जहर नहीं है, लेकिन ये सब काटने के बाद तुरंत ब्लड आ जाता है उसमें बहता हुआ पानी से वॉश कर लेते हैं, इसमें विष नहीं होता है, इसमें ऑपरेट होकर मर जाता है। अरे चीज जैसे धामन गेहमन में अगर फर्क करना है तो देखिए इसका जो हेड के पास जो ब्लैक कलर का मार्क दिख रहा है मुंह के पास ऐसा व्हाइट मार्क ब्लैक मार्क, ये इसका खास तौर पे पहचान है और दूसरे साथ में आपको नहीं मिलेगा ये चीज देखने के लिए। वो तो फन करता है ना। और दूसरी बात हाँ, अगर वो नॉर्मल कंडीशन में रहेगा और उसको एहसास नहीं होगा कि कोई चीज का हमको खतरा नहीं है तो फन नहीं काटेगा, वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन जैसे आप सामने जाइएगा या उसको एहसास होगा कि मेरे आसपास में कोई खतरा है तो तुरंत फन खड़ा कर देगा वो। हाँ अरे किससे बताया कि वो पहचान करने का? पहचान इसे देखिए, ये जो ब्लैक मार्क दिख रहा है आपका, इसका आई जो है ना आई से करके हाँ इसका जो आई जो है ना आई में देखिए इसका आई बड़ा रहेगा। अब कभी कोबरा देखिएगा साथ में, अगर कभी देखने को मिल गया मौका मिला तो देखिएगा उसका आई जो है छोटा रहेगा। और इसका जो पूरा ये ब्लैक मार्क दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक, ये पूरी तरह से व्हाइट रहेगा ये पूरा ये जो है। अभी इसको हम लोग रेस्क्यू कर लिए सुरक्षित तरीके से दोस्तों, तो अभी हम लोग इसको ले जा करके रेस्क्यू रिलीज कर देंगे जंगल में। और ये अभी रेस्क्यू हुआ है दुगदा का स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ, और ये लोगों द्वारा जो सूचना मिला तो तुरंत आ करके हम लोग इसको रेस्क्यू कर लिए, अब इसको लेके जा रहे हैं दोस्तों।
तो दोस्तों YouTube चैनल पे बने रहे दोस्तों, और हमारे YouTube चैनल का नाम है स्नेक सेवर YRY। तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।